ये जो बोर्ड पे दिख रहा है इस वक्त वो आपके पास है या ये चीज आपके पास में है या नहीं है? सो दिस इज योर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दैट इज पी जीरो माइनस पी अपॉन पी जीरो दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड दिस इज नथिंग बट द राउल्ट्स लॉ फॉर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कंटेनिंग नॉन होलाटाइल सॉल्यूट। ओके आवाज आ रही है आप लोगों को? जा आप प्राजक्ता आवाज पहुंच रही है अब तक? ओके ठीक है यार भविन ठीक है। तो ये चीजें आपके पास में थी ऑलरेडी, एक बार फिर से करेंगे। इफ अ नॉन होलाटाइल सॉल्यूट इज एडेड देन दैट विल रिमेन इन द सॉल्यूशन फॉर सम टाइम राइट बिकॉज इट इज अ नॉन होलाटाइल, मतलब इतने आसानी से उसकी वेपर्स नहीं बनती है। सो दीज आर दी non volatile solutes and such non volatile solutes when added to the solution then p0 यदि मेरा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है सॉल्यूशन बनाने से पहले हमारे पास में सॉल्वेंट होगा जिसका वेपर प्रेशर हमने p0 बोल दिया then p will be the वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पे क्या हो रहा है दैट पी मतलब ये जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो कम होगा, दिस विल बी कॉल्ड एज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नाउ इफ एक्स इज अ मोल फ्रैक्शन x is the mole fraction of solute then lowering of vapor pressure is directly proportional to mole fraction of solute. This is what Raoult's law for lowering of vapor pressure for a given solute which is of what type non volatile. Then isko humne aur thoda sa aage badha diya या अब ये कभी भी नहीं हुआ करता है। सो दिस इज व्हाट लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सो इस पर से हमने और एक आगे बढ़ा दिया था पी जीरो माइनस पी अपॉन पी जीरो इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सो दिस इज व्हाट राउल्ट्स लॉ this is what RLVP and that is equal to mole fraction of solute. इतना पार्ट हमने इसके पहले भी किया था। Yeah, how many students are there, Monica, Aniruddha? See, I'll read the names. Yash is there. Then Varad, Prajakta, Abhiraj, Govin, Riya, Aniruddha, Monica, then Neha. Only this much number of students are there. Remaining students, see, क्या problem है? They have to share with me. Yeah. Only 9. Yeah, Aniruddha. ठीक है, चलते आगे. Now यहाँ पे जो mole fraction of solute मैंने लिया है, इसको हम कैसे लिखते हैं? Mole fraction of solute. Yeah, this is what a number of moles of solute divided by sum of number of moles of solute and solvent. Sum of number of moles of solute and solvent ले लिया आपने तो n upon n plus n हो गया. Now for a dilute solution,
हमने एक रेंज डिसाइड किया अप टू 0.2 मोलार सॉल्यूशन, वो डाइल्यूट बोला जाएगा हमारी भाषा में इस टॉपिक के लिए. और अ डाइल्यूट सॉल्यूशन n इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू n, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है, जैसा कि वाटर ले लिया मैंने 1 किलोग्राम और 1 मोल ऑफ दैट सॉल्यूट, तो वो 1000 ग्राम होगा. एंड इन दैट केस उसके नंबर ऑफ मोल्स जो है वाटर के वो 55 हो जाएंगे और इसका 1 मोल ही ले रहे हैं आप. तो इसका मतलब जो है मोल फ्रैक्शन जब निकालेंगे आप तो दैट एन विल बी वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू एन. एंड इन दैट केस दिस सम विल बी इक्वल टू कैपिटल एन. सो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, उसके नंबर ऑफ मोल्स जब हम कंसीडर करते हैं सॉल्यूट के, दैट विल बी वेरी लेस एज कंपेयर टू सपोज 2 ग्राम NaOH हमने डाल दिया है, या फिर 2 ग्राम यूरिया या ग्लूकोज ऐड कर दिया, तो दैट सॉल्यूशन विल बी डाइल्यूट. इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर की बात करते तो वहां नंबर ऑफ मोल्स 55 हो गया, और 2 ग्राम के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे ग्लूकोज या यूरिया के, दैट विल बी वेरी वेरी स्मॉल. 2 ग्राम ग्लूकोज ऐड कर दिया मैंने, 2 ग्राम चलो यूरिया ले लेते हैं इन 1 kg ऑफ वाटर, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे यूरिया के, 2/60, और इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, तो 1000 डिवाइडेड बाय 18. सो इसके नंबर ऑफ मोल्स 55, इसके नंबर ऑफ मोल 1/30, 1/30, सो 0.03. सो दिस इज योर स्मॉल एन एंड दिस इज कैपिटल एन. तो हमने यही कंसीडर किया कि स्मॉल एन जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया जब लिया आपने, तो दैट इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. अंडरस्टैंड? So now this will be n upon n, because n plus n को हमने कैपिटल n रख दिया. Now सॉल्यूट लिया आपने, कितना लिया w ग्राम, और उसका मोलार मास लिया m. सॉल्यूट का मास कितना लिया आपने w ग्राम, 2 ग्राम लिया था आपने. So in that case number of moles will be this one. Then capital N की बात करते हैं तो solvent कितना लेंगे आप, तो W molar mass कितना लेंगे उसका. ये हमने जब mole fraction पढ़ा था, जब मैंने बताया था capital W capital M capital N, these three are for use for solvent which is in large excess, जबकि small letters जो है that are used for solute. क्या बताया था कि नहीं प्रीवियसली, हमने ये बताया था आपको स्मॉल लेटर्स फॉर सॉल्यूट एंड कैपिटल लेटर्स फॉर सॉल्वेंट. तो अब मेरे पास में यहां पे W by M और ये W by M यहां पे रखते हैं आप, तो क्या होगा, दिस इज फॉर सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया मैंने, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलार मास, देन आई हैव द सॉल्वेंट ऑफ विच मास इज W एंड मोलार मास इज कैपिटल W, देन कैपिटल N विल बी राइट. सो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो दिस विल बी ठीक है. तो अब ये हमारा मोल फ्रैक्शन आ गया. तो अभी थोड़ी देर पहले आपने लिया था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. अब मैं सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाला हूं यहां पे. सो इफ आई पुट हियर देन दिस विल बी W बाय M. तो अब यहां से आगे इसको लेके जाते हैं, सिर्फ मोलार मास ऑफ सॉल्यूट कैसे डिटरमाइन कर पाएंगे बाय यूजिंग अ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बिकॉज दिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर यूज्ड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ मोलार मासेस. तो यहां पे मोलार मास होगा आपका दिस थ्री टर्म्स, सिर्फ ये चीज मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, देन दिस विल बी पी जीरो अपॉन पी जीरो माइनस पी. सो इन दिस वे मोलार मास ऑफ सॉल्यूट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट में सॉल्वेंट कौन सा था हमको मालूम है, कितना लिया ये मालूम है, तो हम उसका नंबर ऑफ मोल्स और उसका मोलार मास मालूम है. देन वी हैव द सॉल्यूट कौन सा लिया ये मालूम है, लेकिन उसका मोलार मास मालूम नहीं है. सॉल्यूट ये है ठीक है, लेकिन मोलार मास पता नहीं है, लेकिन कितना लिया ये तो मालूम है, स्मॉल डब्ल्यू 2 ग्राम 10 ग्राम 5 ग्राम जो भी लिया है, दैट विल बी द मास ऑफ सॉल्यूट. तो इस पर से हमने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट में हमारा जो सॉल्यूशन बन गया था, सॉल्यूशन का जब हमने वेपर प्रेशर देखा
दैट वॉज फाउंड टू बी लेस, वो कितना है ये ढूंढ लिया, एंड देन पी जीरो आपके पास में पहले से था, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन एक्सपेरिमेंटली आपने करने के बाद देख लिया कि इतना आ रहा है, देन बाय यूजिंग दिस टर्म्स यू कैन कैलकुलेट दी मोलार मास। तो अभी हमारा क्वेश्चन है, या यू गॉट दिस वन, अभी हम इस पे क्वेश्चन बनाएंगे। सो हाउ द मोलार मास ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हाउ द मोलार मास ऑफ सॉल्यूट can be by using lowering of vapor pressure. This is your question. स्मॉल डब्ल्यू क्या रहेगा हमारा, मास ऑफ सॉल्यूट, इज डिजॉल्व्ड इन कैपिटल डब्ल्यू ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। P0 क्या रहेगा हमारा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट P, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। This will be small n is equal to W by M. Yeah. Then capital M ले लिया हमने, molar mass of solvent. तो फिर number of moles of solvent will be capital N, and that is W by N. तो यहां पे number of moles निकाल लिया आपने, so you can go for mole fraction now. मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो होगा वो होगा एन अपॉन एन प्लस एन। फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन एन इज वेरी वेरी ग्रेटर एज कंपेयर टू एन, देयरफॉर एन प्लस एन विल बी इक्वल टू कैपिटल एन। हेंस एक्स क्या होगा हमारा, एक्स विल बी एन बाय एन, एंड दैट इज यहां पे आपने छोटा एन और बड़ा एन निकाला, यहां सब्स्टिट्यूट करते आप, दिस विल बी डब्ल्यू बाय एम एंड दिस इज कैपिटल डब्ल्यू बाय कैपिटल एन, सो दिस विल बी सो दिस इज व्हाट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अभी भी हम लोअरिंग तक नहीं आए, अब आ जाएगा। According to Raoult's law, P
पी जीरो माइनस पी इज इक्वल टू एक्स पी जीरो. सो यू कैन हैव दैट पी जीरो माइनस पी ऑन पी जीरो विल बी एक्स. और एक्स जो है वो अब हम यहाँ पे ये वाला सब्स्टिट्यूट कर देंगे. ये नीचे का वाइट मिटा दूं मैं. क्या होता है कि मैसेज जो है आई कांट रीड वेल, यहाँ पे एक वो डायरेक्ट नहीं दिखता है. सो पी जीरो माइनस पी अपॉन पी जीरो विल बी इक्वल टू व्हाट डब्ल्यू बाय एम इनटू एम बाय डब्ल्यू. ये वाला जो एक्स है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया. एंड नाउ दिस एम विल बी इक्वल टू डब्ल्यू इनटू एम बाय डब्ल्यू इनटू so in this way by using the mass of solute, mass of solvent, molar mass of solvent and lowering of vapor pressure one can calculate the molar mass of solute. यहाँ पे lowering of vapor pressure ये है और ये molar mass है. तो इस पे से एक चीज और प्रूव हो गया, P0 minus P is inversely proportional to molar mass of solute. तो ये एक colligative property है जिसका use हम molar mass of solute estimate कर लेते हैं, determine कर लेते हैं. Condition क्या था इसमें, that solute should be non-volatile one thing, second thing it should be non-ionizable, मतलब वो non-electrolyte होना चाहिए या नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, मतलब उसका आयोनाइजेशन नहीं होगा, नंबर ऑफ आयंस भी नहीं बनेंगे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन रिमेन कांस्टेंट. सो इन दैट केस हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो भी आ रहा है डेल्टा पी पी जीरो माइनस पी दैट रिमेन सेम. इफ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाता है तो इसका वैल्यू बढ़ जाएगा, तो मोलार मास जो है वो कम आएगा बिकॉज दैट आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन. तो शैल आई वाइप ऑल दिस थिंग्स. Yes, shall I wipe all these things? Yes, Anika. Okay. Then by using this formula, one can calculate the molar mass. इससे related कुछ problems है हमारे पास, तो देख लेते हैं. हेनरीज लॉ पे कर लिए थे हम लोगों ने, फ्रीजिंग पॉइंट, राउल्स लॉ, वेपर प्रेशर. ओके, या प्रॉब्लम नंबर 9 ऑन पेज नंबर 46. वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 17 mm. पी जीरो का वैल्यू हो गया. वेपर प्रेशर कितना रहेगा सॉल्यूशन दैट कंटेन्स 2.8 ग्राम्स ऑफ यूरिया इन 50 ग्राम ऑफ वाटर. तो ये प्रॉब्लम करेंगे हम पहले. सो ऑल दिस थिंग्स आर ओवर. या देखने के लिए मेरे को बाहर जाके देखना पड़ता है. यस अनिरुद्ध सेज यस देन. या सानी का ओके. या बैक जाने का भी बड़ा मतलब प्रॉब्लम तो मेरे लिए सब नए हैं. सो व्हाट इज गिवन, यू हैव योर टेक्स्ट बुक पेज 46 क्वेश्चन नंबर 9. पेज नंबर 46 पे क्वेश्चन नंबर 9 है. वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 17 mm. या वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज गिवन. एंड द टेम्परेचर इज मेंशन दैट इज 20 डिग्री. दिस इज फॉर प्योर वाटर. एंड नाउ हाउ मच सॉल्यूट, विच सॉल्यूट यू आर एडिंग. Solute is a urea of which W is 2.8 gram and molar mass of urea कितना होता है? Molar mass of urea जो है वो 60 है gram per mole. Okay. Then यहाँ पे solvent कौन सा है? Solvent जो है वो water है. कितना दिया है 50 ग्राम में और इसका मोलार मास जो है वो होता है 18 ग्राम पर मोल. दिस इज अ मोलार मास.
सो यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट शुड बी द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। देखिए पहले तो वो 17 है, आपने उसमें यूरिया डाल दिया तो वेपर प्रेशर जो है वो 17 से कम आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो अभी आप आपके पास में ये फॉर्मूला इससे भी कर सकते हैं, अदरवाइज सबसे पहले काम करना चाहिए मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, या छोटा एन निकाल लेंगे हम, डब्ल्यू बाय एम, तो यू विल गेट एन, या देन कैपिटल एन निकाल लेंगे आप, 50 ग्राम लिया है आपने और मोलार मास जो है 18 है, तो यहाँ पे x जो है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन में निकालेंगे हम, तो उसका वैल्यू जो भी है n प्लस n का n ही रहेगा, तो दिस विल बी, या मोल फ्रैक्शन निकालना है आपको, इसमें आप जो भी टाइप करते हैं ना मैं देख नहीं सकता, उसके लिए मेरे को ये सारा बंद करके बाहर जाके देखना पड़ता है, या 2.8 डिवाइडेड बाय 60 कितना, 2.8 डिवाइडेड बाय 60 0466 ओके, देन दिस इज अ 50 बाय 18 2.777 So separately we can have that number of moles. If you add this one, that will be n plus n. So similarly n upon, yeah, n plus n करके भी देख लिया आपने, तो this will be 778.0466 okay. This is a 2.8246. ये बहुत ज्यादा हो रहा है नहीं, 0466 डिवाइडेड बाय, अब हमारा सिंपली और राउल्स लॉ वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम, P0 माइनस P अपॉन P0 इज इक्वल टू X, X आपके पास में है, x का वैल्यू जो है वो आपके पास में है, P0 आपके पास में, P निकाल सकते हैं हम, या जीरो फोर 01649 You can take 5 here. 9 हटा देते, 5 करते तो भी चलता है. So you can have this one 0.165. So यहाँ पे substitute करेंगे x का value. Yeah, 0.165. तो P0 का अभी रखना नहीं है, लास्ट स्टेप में P0 की वैल्यू रखेंगे हम सिर्फ, हमको तो P निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है ना, So shall I wipe all these things, ऊपर का ऊपर वाला हिस्सा मैं मिटा देता हूं, okay. So P0 minus P is equal to 0.0165 times P0, then P will be 1 माइनस कर दिया, P0 भी कॉमन निकाल दिया,
16.7195 ओके बहुत ज्यादा हो गया So this is the vapor pressure of solution, which is a slightly less than that of pure solvent. Solvent का कितना था 17. जब आपने 2.8 gram urea add कर दिया, then that vapor pressure of solution comes out to be 16.71. मतलब ज़्यादा कम नहीं हुआ. सिर्फ इतना ही कम हो गया होगा mole fraction के हिसाब से. So you got this one? Yes. Is there Parth? क्या है आप लोगों के मैसेज मैं पढ़ नहीं सकता दैट इज द बिग प्रॉब्लम इन दिस वन डायरेक्टली नहीं पढ़ सकता आपका वहां पे ऐसे था कि वो डायरेक्ट मेरे सामने आ जाता था एनीवे यू आर गेटिंग दैट पिक्चर क्वालिटी एंड साउंड ऑल दिस थिंग्स आर गुड और नॉट ठीक है मैंने रिकॉर्डिंग पे भी डाल के देखा है पता नहीं कैसे बनता है देखेंगे एड में Yeah, only 10 students are there. देखते अटेंडेंस भी हुआ कि नहीं हुआ इसमें then is there any more solution related to lowering of vapor pressure? No. Is there any salt problem? Yeah, there are two salt problems also. Page number 35 पे Yeah. A solution is prepared by dissolving 394 ज्यादा ऐड कर दिया भाई 394 grams of non-volatile solute in 622 grams of water. Okay, then आपको निकालना इसमें है मोलार मास ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्यूट का क्या होगा ठीक है तो ये हो गया वो तो मैं मिटा दू तो अभी जो सॉल्यूट है वो अननोन है या तुषार ओके अभी जो सॉल्यूट है वो आपका अननोन सॉल्यूट है तो उसका मास है आपके पास में 394 ग्राम ठीक है देन मोलार मास जो है निकालना है देन सॉल्वेंट जो है सॉल्वेंट यहां पे वाटर है कितना 622 ग्राम है देन इसका जो मोलार मास है दैट कम्स आउट टू बी 18 ठीक है देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वाज फाउंड टू बी 30.74 और प्योर का कितना है P0 कितना है इसमें और P कितना है कैसे पहचानेंगे जो ज्यादा वाला वैल्यू है आपका वो प्योर सॉल्वेंट का होगा 31.8 31.8 जो है वो प्योर सॉल्वेंट का हो गया और जो 30.74 है वो सॉल्यूशन का हो गया लोअर वैल्यू सॉल्यूशन का हायर वैल्यू प्योर सॉल्वेंट का इस पर से हम अपना P0 माइनस P तो निकाल सकते P0 माइनस P यदि निकाल दिया आपने तो डिवाइडेड बाय P0 भी कर सकते हैं आप या कितना 80 यहाँ पे 6 हो गया देन 0 हो गया देन अभी कितना 24 20 मिला दो तो 31 34 आना चाहिए कितना यस 31.80 है मेरे पास में एंड देन दिस इज 30.74 तो यहाँ पे 10 4 6 0 या 1.06 या लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर
अब हमको निकालना तो इसमें है मोलार मास ऑफ सॉलिड, बहुत सारी चीजें अभी हमारे पास कलेक्ट हो गई है तो ये मिटा देते हैं। दैट वाज अ प्रॉब्लम नंबर 2.435 में। सो हमारा फॉर्मूला है पी जीरो माइनस पी ऑन पी जीरो इज इक्वल टू या ऐसे बेटर है हमको एम निकालना है तो इसको इधर छोड़ देते हैं। एंड नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ ऑल दिस थिंग्स। छोटा डब्ल्यू आपका 394 है, मास ऑफ सॉल्वेंट 622 है या मोलार मास 18 है, देन ये 622 है, देन पी जीरो जो है वो 31.8 है और नीचे में है आपका 1.06। या सो नाउ यू कैन गेट दैट वैल्यू ऑफ स्मॉल एम। Yeah, into 18. यस 362.58 है ऊपर का डिवाइडेड बाय 1.06। ओके थ्री फोर्टी टू पॉइंट जीरो हाँ नहीं ये है ना 342। मैं भी कर रहा हूँ साइमल्टेनियसली, जैसे आप कर रहे हैं वैसे मैं भी करता हूँ। टेक्स्ट में कितना दिया है 342। ओके हमारा कितना आया 342 पॉइंट। हाँ ये ऊपर का मल्टीप्लिकेशन बोल रहे हैं आप तो सही है, 362.58 डिवाइडेड बाय 1.06। तो दिस इज योर फाइनल आंसर रिगार्डिंग मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। काफी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यार नहीं दिख रहे मेरे को, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद देम? या पार्थ ठीक है ओके द नेक्स्ट वन इज 2.5 वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन वाला। यहाँ पर भी मोलार मास ऑफ सॉल्यूट ही निकालना है। व्हाट इज द मोलार मास ऑफ सॉल्यूट? या अभी और एक कम भागते रहते लोग इसमें से, है ना, ये बात है। ठीक है देन 2.5 में काम करेंगे। ये सब हो गया आपका? ओके नेक्स्ट वन इज योर 2.5 द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन। मोलार मास इज गिवन इन द ब्रैकेट 78 ग्राम पर मोल। वेपर प्रेशर यहां पे ये सॉल्वेंट है आपका, कौन सा सॉल्वेंट है यहां? बेंजीन। इसका मोलार मास इज गिवन एज 78
ग्राम पर मोल एक चीज, दूसरा हिस्सा कितना लिया है हमने, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज 78 ग्राम पर मोल इज 640 mm, ठीक है, P0 कैपिटल लगेगा, यहाँ पे सॉल्वेंट है कितना यूज किया है 49 ग्राम्स ऑफ बेंजीन, ओके, देन वेपर प्रेशर इज गिवन एज P0 कितना 640 mm ऑफ HE, ओके, दिस इज रिलेटेड टू सॉल्वेंट कंप्लीटली। अब देखते हैं सॉल्यूट कौन सा, अननोन ही होगा जिसका मोलार मास निकालना है, नाम दे दिया तो लोग डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, इसलिए अननोन सॉल्यूट बोलते हैं उसमें, एंड इट इज 2.315। सॉल्यूट जो है वो अननोन है हमारे लिए, ऑफ विच मोलार मास इज टू बी कैलकुलेटेड 2.315, then vapor pressure of solution is 600, तो ये निकालना है हमको मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, देन P0 माइनस P विल बी इक्वल टू 640 माइनस 600, तो यू कैन हैव दैट P0 माइनस P अपॉन P0 ऑल्सो, कितना 40 है मेरे पास में और ये 640, या 1/16, चलो ये भी ठीक है, आ गया आपके पास में 1/16। तो अब हमको सिर्फ 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 और ये 1/16 इनको कोरिलेट करना है, देखता है यहां तक आ जाए तो बताना। So, अभी हमारा फॉर्मूला है P0 माइनस P अपॉन P0, ओके, इसका वैल्यू मेरे पास में ऑलरेडी है, देन व्हाट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए मैंने यहाँ पे इस तरह का अरेंजमेंट किया है, ये मेरा 1/16 ऑलरेडी है, ये इस चार में से तीन हमको पहले से ही पता है, एक निकालना है, निकल जाएगा आसानी से। सो आई कैन हैव दैट M इज इक्वल टू, ऑल्सो यू कैन डू दैट W, then this will be P0 upon P0 minus P. Reciprocal हो जाएगा, M इधर ले लिया मैंने, इसको इधर लेके गया, now you can do all these things. Solvent के लिए capital letters use करने हैं और solute के लिए small one. गोविंद, तो मैं ऊपर का थोड़ा कम कर देता हूं, 7849, ओके, स्मॉल W 2.315, ये 78/49, 39 दिया होता तो बहुत अच्छा होता, पड़ाक दिशा कैंसिल होता था, लेकिन नहीं, और अब रेसिप्रोकल में है तो ये 1/16 है, उसका उल्टा वहां पे है तो 16 लिखना पड़ेगा,
प्रॉब्लम में थोड़ा झोल है वहां पे। गिवन प्रॉब्लम में 49 ग्राम बोला है, सॉल्यूशन में 40 ग्राम यूज कर रहा है वो। प्रॉब्लम में 49 ग्राम बोला है बेंजीन का, और सॉल्यूशन जब निकाला है तो वो 40 ग्राम से कर रहा है। बी अलर्ट, वहां का आंसर नहीं आएगा अभी आपका। ये 49 गिवन प्रॉब्लम में है, सॉल्यूशन में उनके 40 यूज किया है उसने, इसलिए वहां तक नहीं जा पाएंगे आप। आंसर इज 58.96 एंड दैट इज मोर प्रिसाइज। यही सही होगा बिकॉज दिस इज क्लोज टू यूरिया। ये जो आंसर हमने लाया है यहाँ पे 58.96, दिस इज वेरी वेरी क्लोज टू यूरिया एंड दैट्स व्हाई वो जो है वही सही है। 49 ग्राम जो सॉल्यूशन में 40 यूज किया वो गलत हो गया। ये पहले वैल्यू में लिखा है उसने 49, लेकिन आगे जब गया तो पूरा उल्टा सीधा कर दिया। 49 गायब ही हो गया उसका, 40 हो गया, और दो दो बार 40 लिख रहा है। एक 40 हमारा भी है ये वाला, एक 40 वैल्यू हमारे पास में भी है, लेकिन वो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की है। ओके, होते रहता है, ऐसे कुछ नहीं है इसमें ऐसा। तो शैल आई गो फॉर द नेक्स्ट वन? दिस इज वन ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कब होता है? व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू प्योर सॉल्वेंट, देन वेपर प्रेशर ऑफ resulting solution is found to be lower than that of pure solvent, and this depends on number of solute particles present in the solution, right? So this property can be used to calculate the molar mass of solute. Only condition is that the solute should be non-volatile and non-ionizable. Aur ek condition hamara wo dilute solution ka bhi hai, n plus n is nearly equal to 1 wala. ओके, यहां से आगे चलते हैं। शैल आई वाइप ऑल दिस थिंग्स? या व्हाट इज दैट इन मैसेज बॉक्स? ये ठीक है। सो चलते बॉइलिंग पॉइंट के लिए। बॉइलिंग पॉइंट वो है जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर होगा जहां पे लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विथ इट्स वेपर। दिस इज अ प्रोसेस इन विच दैट लिक्विड इज कन्वर्टेड इन टू वेपर, दैट इज अ बॉइलिंग। So this liquid is in equilibrium with its vapor, or you can say the gas. So this will take place at constant temperature, and that temperature is called as boiling point. Boiling point जो है एक constant temperature at which two phases of the same substance are in equilibrium, that is liquid and gaseous phase are in equilibrium. This is one condition. Second condition, the constant temperature at which vapor pressure of the solution becomes equal to atmospheric pressure, then also it is called as a boiling point. ठीक है, अब ये boiling point पे क्या फर्क पड़ता है solution में देखते हैं। We know that pure water जो है that boiling point of that pure water is, you can say that 100 degree Celsius, or you can have that 373.15 Kelvin. यहाँ पे ये चीजें मायने रखती है। केल्विन में जब लिखते हम 273.15, तो 15 यहाँ कंसीडर करना है, हमको छोड़ना नहीं है। यदि छोड़ दिए तो आपके सारे प्रॉब्लम उल्टे सीधे हो जाएंगे। सो दिस इज व्हाट प्योर वाटर, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ये है। मतलब क्या, एट दिस टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ दैट सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर, या फिर the constant temperature at which liquid is in equilibrium with its vapor. So now हमने solution बनाया। अब हमारे पास में solution है, for example water plus glucose, या फिर water plus urea, because this type of solute जो है हमारे category में बैठते हैं। हमारी कौन सी category है solute की? सॉल्यूट की कौन सी कैटेगरी यूज कर रहे हैं? पहली बात तो वो नॉन होलाटाइल होना चाहिए, मतलब सॉल्यूशन के अंदर उसको रहना चाहिए लॉन्ग टाइम तक। दूसरा, दैट शुड बी नॉन आयोनाइजेबल, उसका आयोनाइजेशन भी नहीं होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो उतने के उतने ही रहेंगे। और तीसरी कंडीशन हमने लिया डायल्यूट सॉल्यूशन की। तो इन दैट कंडीशन हमारा ग्लूकोज बैठता है, तो हमने सॉल्यूशन बना दिया। नाउ दिस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है, that comes out to be
क्या हो गया? When a non-volatile, non-ionizable solute is added to the pure solvent, then resulting solution boils at higher temperature. So the difference between the boiling point of solvent and that of solution is called as, now this will be called as a T0. Pure solvent ka boiling point jo hai T0, aur T jo hai, this is for solution. So now yahan pe you will find that this T is greater than T0. Boiling point of solution is higher than that of pure solvent. सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है. इन दैट केस दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एज एलिवेशन रेज, जिसको हम बढ़ गया ऐसा बोलते हैं, एलिवेटेड. सो द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज डेल्टा टीबी. दिस इज कॉल्ड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीबी. एंड हाउ मच इट इज, is equal to boiling point of solution minus boiling point of solvent. इधर वेपर प्रेशर में उल्टा था, सॉल्वेंट इधर था, सॉल्यूशन उधर से था. वहां पे वेपर प्रेशर कम हो गया था, बॉइलिंग पॉइंट यहां पे बढ़ गया है सॉल्यूशन का. तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, एंड दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. तो ये मिटा दो मैं सर. So next colligative property. Elevation in boiling point or boiling point elevation. नॉन होलाटाइल सॉल्यूट चाहिए, मतलब उसका जल्दी से वेपर नहीं बनना चाहिए. नॉन आयोनाइजेबल सॉल्यूट देखिए, ये लाइन बहुत जगह पे कॉमन रहेगी आपकी, ये जो लाइन लिखा मैंने. As compared to pure solvent. तो solution का boiling point जो है वो ज्यादा रहेगा और solvent का कम रहेगा. तो ये है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. ओके,
ऑल दिस थिंग्स आर वर के चलते आगे. सो शैल वी स्टॉप नाउ या मोनिका गोविंद बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट सीन देयर. मैं आगे चला जाऊंगा तो वापस आना थोड़ा मुश्किल होगा. लेट मी सी व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द रिमेनिंग स्टूडेंट्स. ओके सो वी विल स्टॉप नाउ. थैंक यू. सो शैल आई क्लोज माय वीडियो. Okay, thank you.